आज मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी खबर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे थोड़ी देर के लिए मैं भी अनजान था। 23 सितंबर को पीसीआई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी कि ऑफिशियल पीडीएफ नोट्स यानी एक तरह से देखा जाए स्टेटमेंट जारी किया, जो कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है अब तक के डी फार्मा के सिलेबस को लेकर के। डी फार्मा का सिलेबस पिछले कई सालों से चेंज नहीं हुआ था और इस बार एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट पुराने हैं, कुछ नए सब्जेक्ट हैं, कुछ के नाम बदले गए हैं और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं। वो जो नया एडमिशन इस साल ले रहे हैं और वो जो पिछले साल से पढ़ रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि बदल गया सिलेबस, अब हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। आज सबका जवाब दूंगा मैं आपको इसी वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए बस थोड़ी देर तक और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे ओवरऑल, तो क्या ये बेहतर है, क्या ये खराब है या अच्छा है। दूसरी चीज, क्या पहले वाला इजी था या अब वाला इजी है। देखिए, मैं आपको पहला जवाब दूंगा, ये सिलेबस चेंज काफी बेहतर है, बहुत बेहतर चेंज है, क्योंकि हमारे जिस हिसाब से कोरोना आया और देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई, गांवों में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रह गए, तो कहीं ना कहीं पीसीआई के मन में, सरकार के मन में ये बात है कि ये जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा करते हैं उनकी एज ज्यादा है, वो प्रैक्टिस करते हैं किसी गांव में, उनकी क्लिनिक चलती है गांव में, कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर खोलते हैं और वो चीजें खोलते हैं, तो उनको प्रॉपर ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान उनको प्रैक्टिस का है लेकिन उनको फार्मेसी का ज्ञान नहीं है, रूल्स का ज्ञान नहीं है, वो चोरी चुपके काम करते हैं और फंसते हैं। इस तरह के सिलेबस को चेंज करके डी फार्मा वालों को थोड़ा सा और अपडेट किया जा रहा है कि वो अपनी क्लिनिक चला सके। ध्यान दीजिए, क्लिनिक नहीं, क्लिनिक का नाम बदल जाएगा, उसका नाम जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर। आप चलाएंगे क्लिनिक ही लेकिन उसका नाम कुछ और होगा, आप वहां पे हॉस्टल नहीं लिखवा सकते, आप क्लिनिक नहीं लिखवा सकते, आप लिखवा सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर। मान लीजिए मैं हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं डालू अपना केसीएल हॉस्पिटल, नहीं केसीएल नर्सिंग होम, नहीं केसीएल क्लिनिक, नहीं, लेकिन अगर मैं डी फार्मा कर लिया तो मैं चलाऊंगा अस्पताल ही लेकिन उसका नाम होगा केसीएल कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर। बस मैं वहां सर्जरी नहीं कर सकता, बाकी सारा ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता हूँ, पेशेंट देख सकता हूँ, उनको दवाई दे सकता हूँ। तो ये जो नया सिलेबस चेंज किया जा रहा है वो इसी फील्ड में एक क्रांतिकारी कदम है, ताकि हमारे देश में, क्योंकि इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो बाकी जगह पे जो हमारे फार्मासिस्ट है, डिप्लोमा होल्डर है, ये स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाएं। आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे इस सिलेबस के हिसाब से कैसे क्रांतिकारी कदम है। दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं कि क्या ये पहले वाले से कठिन है या सरल है। यकीन मानिए, बहुत ज्यादा सरल है। पहले वाला जो सिलेबस था डिप्लोमा का, वो बहुत हार्ड माना जाता था। देखिए मैं बताता हूँ, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री और दूसरा था बायोकेमिस्ट्री, दोनों बहुत हार्ड थे, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर याद करना, केमिस्ट्री याद करना, साइकिल याद करना, तो केमिस्ट्री अभी भी है, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस से बायोकेमिस्ट्री को हटा दिया गया है। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा कैसे क्या चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो पूरा सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है। पहले से फर्स्ट ईयर में जो ओवरऑल मोटामोटी बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में पहले 6 सब्जेक्ट थे, उस 6 से 1 सब्जेक्ट को हटा के बायोकेमिस्ट्री को हटा दिया गया है, अब उसका नाम होगा, अब वो 5 सब्जेक्ट बचे हैं, यानी अब 1 सब्जेक्ट का बोझ कम कर दिया गया है, 6 को 5 कर दिया गया है। सारा सिलेबस लगभग सेम है, बस 1 सब्जेक्ट का नाम बदल दिया गया है। मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में दोस्तों बहुत ज्यादा इजी कर दिया गया है। सेकेंड ईयर का सबसे हार्ड सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, उसमें जो लोग बी फार्मा में पढ़ते ना, पूरे ड्रग का स्ट्रक्चर, उसकी केमिस्ट्री, उसका नाम, उसकी साइकिल, उसकी सिंथेसिस, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, यकीन मानिए जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या जिसकी केमिस्ट्री कमजोर है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। मैं कितना भी मेहनत से पढ़ा दूँ वो उसको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट था। और आपकी जान की खुशी होगी, डी फार्मा से उस सब्जेक्ट को ही हटा दिया गया। मेरा मानना भी था खुद की अननेसेसरी था, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना हार्ड सब्जेक्ट डिप्लोमा वालों की जरूरत नहीं, क्योंकि डिप्लोमा वाले मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाते हैं, डिप्लोमा वाले प्रोडक्शन में नहीं जाते हैं, इसलिए उनको इतना डिटेल जानना जरूरी नहीं है किसी भी ड्रग की पूरी केमिस्ट्री को।
इसलिए उनके सिलेबस से ये हटा दिया गया है। दूसरा एक सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स, उसको भी हटा दिया गया है और दो नए सब्जेक्ट ऐड किए गए और दो सब्जेक्ट के नाम बदले गए। नाम बताऊंगा कैसे बदला गया है, आप आगे बताऊंगा। और जो दो सब्जेक्ट नए ऐड किए गए हैं वो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो भविष्य में अगर आप अपने चाहते हैं क्लिनिक चलाना, अपनी फार्मेसी चलाना, अपने गाँव में अपना हॉस्पिटल सेटअप करना जिसका नाम कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर है, तो वो सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे सेटअप करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे पेशेंट को देखना है, कैसे पेशेंट काउंसलिंग करनी है, और ये। और एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स जो डॉक्टर की तरह बात करेगा कैसे किसी बीमारी में कैसे इलाज करना है, किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, कौन सी बीमारी कैसे पहचानना है। यकीन मानिए ये सिलेबस इतना बेहतरीन बना दिया गया है कि अब आप पूरी तरह से किसी भी मरीज का इलाज करने में सक्षम रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के लेवल का इलाज करेंगे। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखिए कि 23 सितंबर को जो पीसीआई ने ग्रेटर जारी किया, पीसीआई में एक बॉडी होती है एजुकेशन रेगुलेशन बॉडी जो सिलेबस को रिवाइज करती है। और एक बात ध्यान समझिएगा, आप बिल्कुल मुझे क्वेश्चन में पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर क्या मेरे यूनिवर्सिटी का बदल गया है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं पुणे से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं आरजीवी मुंबई मध्य प्रदेश से। नहीं, पीसीआई का सिलेबस सारे भारत में एक चलता है, यानी कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी सबका सिलेबस सेम है, इसलिए ये अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछिएगा। आपके सामने लेटर दिख रहा है वो दो पन्ने कैसे हुआ था। अब हम आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। आप डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखिए, जो शुरू के चार सब्जेक्ट है, यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स है। थ्योरी है 80+20, यानी 80 नंबर का पेपर एक्सटर्नल होता है, 20 नंबर कॉलेज से जाते हैं, और प्रैक्टिकल भी होता है उसी तरह से 80+20 का। तो जो फर्स्ट ईयर में कुल 1000 सब्जेक्ट का आपका पेपर था। देखिए अब आपके सामने देखिए, पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 6 सब्जेक्ट थे और जो न्यू सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो ओल्ड सिलेबस में उसमें 6 थे और न्यू में 5 है। ओल्ड से एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री हटा दिया गया है और उसको भेज दिया गया है सेकेंड ईयर में। ऐसा नहीं हटाई दिया, उसको भेज दिया है सेकेंड ईयर में, यानी अब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। आपके सामने सिलेबस से कंपेयर कर लीजिए। देखिए नए सिलेबस में जो आपका फार्मास्यूटिक्स है फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स यहाँ भी है, पिछले साल भी था। आप दोनों कंपेयर करके पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से सिलेबस आपको पढ़ने हैं। आप कहेंगे सर पुरानी वीडियो फिर से डालिए, नई वीडियो डालिए, क्योंकि नहीं, उसमें तो 4 सब्जेक्ट तो सेम, 4 का 5 सब्जेक्ट सेम है, 5ों की वीडियो आपको पुरानी ही चलेगी, एक नए सब्जेक्ट की वीडियो में फिर से अपलोड करूंगा, ठीक है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो ओल्ड और न्यू पिछले साल और इस साल से होने वाले सिलेबस में भी सेम सब्जेक्ट है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है, इसलिए इसकी वीडियोस भी पहले से पड़ी हुई है, नोट्स भी पड़े हुए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। तीसरा है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी भी इस साल भी था, नए साल नए सिलेबस में भी है और पिछले कई साल वाले सिलेबस में भी था, वो भी सेम है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी अभी है और पुराने के सिलेबस में, ये चारों सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। पांचवा सब्जेक्ट है नए वाले में सोशल फार्मेसी, जबकि इसी सब्जेक्ट का नाम पहले था हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी HECP, तो ये सेम सब्जेक्ट है। देखिए सोशल फार्मेसी और हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी लगभग सेम है, ये मान लीजिए कि 100% सिलेबस में 10% बदला गया है, 90% चैप्टर सेम, सब कुछ सेम, शुरू के कुछ चैप्टर सोशल फार्मेसी क्या है, इसका डेफिनेशन की डिटेल, ये नया ऐड हुआ है। तो इसको मैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने इसके लेक्चर्स भी नहीं लिए थे फर्स्ट ईयर में, तो मैं इस सब्जेक्ट को सोशल फार्मेसी के लेक्चर्स को शुरू से स्टार्ट करूंगा और पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको खत्म कराऊंगा बहुत जल्दी, वीडियोस डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुल 5 सब्जेक्ट हो गए और बायोकेमिस्ट्री जो पहले था अब नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, थोड़ा सा काम इजी हो गया, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज सेकेंड ईयर की बात करते हैं। अब सेकेंड ईयर के सिलेबस आपके स्क्रीन पे है और उसको समझने से पहले एक चीज समझिए, आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर जो हम तो सेकेंड ईयर में हैं तो क्या हमारा सिलेबस इस साल से बदल जाएगा। नहीं, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो इस साल फर्स्ट ईयर में है और अगले साल सेकेंड ईयर में जाएंगे, यानी जो इस साल सेकेंड ईयर में है फर्स्ट ईयर पास करने के बाद, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई एग्जाम हुआ है, जो इस साल सेकेंड ईयर में बच्चे हैं उनके लिए पुराना सिलेबस ही चलेगा, उनके सिलेबस में कोई चेंज नहीं। लेकिन जो इस साल बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, जो अगले साल सेकेंड ईयर में जाएंगे उनके सिलेबस में चेंज है। ये मतलब जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो अभी पुराना ही माना जाएगा, नया पढ़ाया नहीं जाएगा। तो समझिए कि सिलेबस के आपके सामने, देखिए मैं आपको सेकेंड ईयर का दोस्तों सिलेबस दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको देखने की कोशिश कीजिए। इसमें चेंज क्या आया है, पहले 6 सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर डिप सेकेंड ईयर में, अब भी 6 सब्जेक्ट, ठीक है 6 सब्जेक्ट तब थे, 6 अब भी है। देखिए पहला सब्जेक्ट जो है, पहले जो था फार्माकोलॉजी,
फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पहले था, अब इसका नाम सिर्फ फार्माकोलॉजी है, यानी कुछ चैप्टर उसमें से कम किए गए हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी है, सिलेबस क्या चेंज हुआ है मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। पुराने वीडियो जो आप देख रहे हैं सब कुछ कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, कुछ भी नया चेंज नहीं करना, पुराने वीडियो चैप्टर वाइज सारे नोट्स आपके लेक्चर्स पड़े होंगे। दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये नया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नया नहीं है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट पूरी तरह से नया ही समझ लीजिए। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट एक नया लाया गया है, और पहले हम इसकी जगह पे पढ़ते थे डीएसबीएम, यानी पुराने सिलेबस में था ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। तो डीएसबीएम के कुछ कुछ चैप्टर इसमें कॉमन है, और कुछ जो चैप्टर अकाउंटिंग वाला था, जो बहुत लेजर बनाना, वो ब्रोशर बनाना, तो कठिन सब्जेक्ट था, जो अननेसेसरी काम था, जो एक सीए काम होता है, जो आपका काम नहीं था, उसको हटा दिया गया है, मतलब जो कठिन वाला पोर्शन था उसको हटा दिया गया है, इजी वाला पोर्शन रखा गया है, और उसमें कुछ चीजें नहीं ऐड की गई है। और ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आप फार्मेसी प्रैक्टिस जो आप लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा फाइनल ईयर में, सेवन सेमेस्टर में फार्मेसी प्रैक्टिस, और डी फार्मा सेकंड ईयर का हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये दोनों सेम है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया जो कि पहले डीएसबीएम के नाम से था। तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो दिस इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी अब भी है, और पुराने वाले सिलेबस में जाके देखेंगे तो वहां भी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पहले जैसे था, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सिलेबस सेम है, सब कुछ ठीक। अगला है नया सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, यानी फार्मेसी के नियम और कानून, ये भी सेम है, बस पहले वाले सिलेबस में, पुराने सिलेबस में इसका नाम जुरिस्प्रूडेंस था, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, यानी फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस पुराने का और नए वाले का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ये दोनों सेम सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ 100 नंबर की थ्योरी है, ये दोनों सेम है। अब दो सब्जेक्ट जो हटा दिए गए हैं, पुराने सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स था सेकेंड, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सबसे हार्ड, जिसको हट जाना जरूरी था, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स हटा दिया गया है, और दो नया क्या ऐड किया गया, एक जो फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री आपने छोड़ के सेकेंड ईयर भेज दिया, एक तो बायोकेमिस्ट्री है जो सेकेंड ईयर वाली है, और दूसरी दोस्तों हम बात करें फार्मेकोथेरेपेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन देते हैं, बीमारी को कैसे पहचानते हैं, क्या डोज देनी चाहिए, और तरह तरह की कॉमन बीमारियां जो गांव में हम किसी का इलाज कर सके, किसी का शहर में इलाज कर सके, उसको सलाह दे सके, उसको कंसल्टेंस दे सके, तो आपको और निखारने के तौर पे और डेवलप करने के तौर पे एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है फार्मेकोथेरेपेटिक्स। इसको मुझे फिर से लेक्चर लेना होगा, तो मैं इसका लेक्चर फिर से स्टार्ट करूंगा और पूरी तरीके से लूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये नोट था, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सारा लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट्स क्या बदले हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में पहले 6 थे, अब 5 हो गए हैं, सारा सिलेबस सेम है, बस वहां पे फार्मा बायोकेमिस्ट्री हटा दी गई है और सोशल फार्मेसी हो गया है नाम, किसकी जगह पे, जो पहले हमारा HECP था, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। डी फार्मा सेकेंड ईयर में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, उसमें 6 सब्जेक्ट के 6 ही हैं, एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का ला दिए बायोकेमिस्ट्री, दो कठिन सब्जेक्ट हटा दिए गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, और उसकी जगह पे फार्मेकोथेरेपेटिक्स एक सब्जेक्ट को ऐड किया है, बाकी दो सब्जेक्ट के नाम और थोड़े बहुत सिलेबस चेंज हुए। तो अब नई श्रृंखला में जो पुराने वीडियोज हैं उसके हिसाब से और नए हिसाब से आपको नई श्रृंखला शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर का सब कुछ सेम है, उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, और सेकेंड ईयर का जो भी होगा मैं स्टार्ट करूंगा, और अपने कॉलेज में एक बार सारा सिलेबस कंफर्म कर लीजिएगा, कॉलेज में एक चीज पूछ लीजिएगा कि जब सर जो लोग सेकेंड ईयर में, कि सर क्या मुझे सिलेबस वही पढ़ना है पुराना वाला कि नया पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज वालों को स्पेशल नोटिफिकेशन और मैसेज आया होगा, वो जैसा भी कहेंगे आप मुझे बताइएगा और इस श्रृंखला को शुरू करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक खुश रहिए, भारत माता की जय, जय हिंद।